मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। फौजी मुज़ाकरात की बहाली की कनाडा की कोशिश ताइवान की पॉलिसी पर मुनहसर है। कनाडा में तैनात चीनी सफीर का कहना है कि हम बाहमी एहतराम के असूल पर मबनी मुज़ाकरात चाहते हैं, किसी भी इश्तआल अंगेज कार्रवाई की सख्ती से मुखालफत करते हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम बुध को कनाडा का दौरा करेंगे। शाह अब्दुल्ला वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात करेंगे। मशरिक वस्ता में अमन व सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गजा में जंग बंदी मुआहदे पर कोशिशें जारी हैं। जो बाइडन का कहना है कि गजा में 6 हफ्तों के लिए जंग बंदी के लिए कोशां हैं। अमरीका किसी मुआहदे को तय करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा में तैनात चीन के सफीर का कहना है कि अगर बहरिया ने अपनाए ताइवान पर एक और जहाज भेज दिया तो आटवा की तरफ से मामूल के फौजी मवासलात को बहाल करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में तैनात चीन के सफीर का कहना है कि अगर बहरिया ने आबनाए ताइवान में एक और जहाज भेज दिया तो ऑटोवा की तरफ से मामूल के फौजी मवासलात को बहाल करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्ग पियो ने एक हालिया इंटरव्यू में कैनेडियन प्रेस को बताया कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन ये वाकई बाहमी एहतराम के उसूल पर मबनी है। पिछले महीने के आखिर में मेजर जनरल ग्रेगोरी स्मिथ, कैनेडियन फौजी अहलकार जिसे चीन जैसे ममालिक के साथ बातचीत का काम सौंपा गया है, ने कहा कि ऑटोवा बीजिंग के हुक्काम के साथ मजीद खुली बातचीत कायम करने की कोशिश कर रहा है। स्मिथ ने कहा, हम ताल्लुकात को दोबारा कायम करने के लिए सिर्फ एक दूसरे से गुस्से से बात करने वाले सिर्फ डिमॉर्चर से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स की कौमी दिफाई कमेटी को बताया कि कैनेडा चीन के दिफाई अताशी के साथ मजीद बुनियादी बातचीत चाहता है। उन्होंने कहा, हम एक नज़र डाल रहे हैं, लेकिन हमें हुकूमत भर में अपने बड़े शराकत दारों के साथ ऐसा करना है। उन्होंने मजीद कहा कि कनाडा ने 2018 से पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ कोई फौजी मशक या तावुन नहीं किया है। पिछले साल कनाडा और अमेरिका ने आबनाए ताइवान के जरिए जंगी जहाज रवाना किए, जिसको वॉशिंगटन नेविगेशन की आज़ादी ऑपरेशंस का नाम देता है। अपनी इंडो पैसिफिक हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर कनाडा ने आबनाए ताइवान में बहरिया के 3 जहाज भेजने का वादा किया है। फिलहाल वहाँ कोई भी नहीं है, हालांकि ओटावा महीनों के अंदर एक जहाज भेजने का इरादा रखता है ताकि गर्मियों में 2 दीगर अफराद इसमें शामिल हो। कॉन्ग ने कहा कि ताइवान और सरजमीन चीन के दरमियान इस तरह के जहाज का होना 1970 से कनाडा की वन चाइना पॉलिसी को नुकसान पहुंचाता है, वो पॉलिसी जिस पर कनाडा के बहुत से साथी पैरवी करते हैं। अवामी जमहूरिया चीन को चीन की वाहिद कानूनी हुकूमत तस्लीम करती है। चीनी सफीर का कहना था कि हम किसी भी इश्तियाल अंगेज कार्रवाई की सख्ती से मुखालफत करते हैं, खास तौर पर ताइवान के सवाल पर। कोई भी चीज़ जो वन चाइना के उसूल के खिलाफ चलती है वो ख़तरनाक है। अगर लोग इस बुनियादी उसूल के बारे में बात नहीं करते हैं तो नतीजा खेज और बामाइनी बातचीत या मवासलात की कोई बुनियाद नहीं है। उर्दन के बादशाह इस हफ्ते के आखिर में कनाडा का दौरा करेंगे और वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात करेंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। उर्दन के बादशाह इस हफ्ते के आखिर में कनाडा का दौरा करेंगे और वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात करेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म के दफ्तर ने एक खबर जारी करते हुए कहा कि शाह अब्दुल्ला दोम बुध को ओटावा में होंगे। रिलीज में कहा गया है कि दोनों मशरिक वस्ता में अमन और सलामती पर तबादला ख्याल करेंगे, जिसमें इसराइल और हमास की ताज़ा जंग से मुतासर गजा में शहरियों के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी को किस तरह बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म दफ्तर का कहना है कि इन मुबाहिसों में पायदार जंगबंदी
और खित्ते में अमन के रास्ते की हिमायत का भी अहाता किया जाएगा। जहां 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जिसने जंग को जन्म दिया था। बुध को शाह अब्दुल्ला दोयम का 1999 में तख्त पर बैठने के बाद से कनाडा का 7वां दौरा होगा। उर्दन के हुक्मरान ने आखिरी बार जनवरी 2023 में रूस के यूक्रेन पर हमले और आलमी गजाई अदम तहफ़ पर बातचीत के लिए दौरा किया था। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि कनाडा और उर्दन के दरमियान शराकत दारी गहरी और पायदार है। मैं एक बार फिर इज्जत माफ शाह अब्दुल्ला दोम का कनाडा में खैर मकदम करने का मुंतजर हूँ, ताकि मुश्तरक तरजीहत पर तबादला ख्याल किया जा सके, ताकि इसराइलियों और फलस्तीनियों के लिए पायदार अमन के हुसूल के लिए एक रास्ता बनाएं और एक पायदार जंगबंदी के लिए मिलकर काम करें। अमरीकी सदर जो बाइडन की उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात हुई है। उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोयम से मुलाकात में अमरीकी सदर ने एतराफ़ किया कि गजा में जान से हाथ धोने वाले बड़ी तादाद बेगुनाह शहरियों और बच्चों की है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन की उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात हुई है। उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोयम से मुलाकात में अमरीकी सदर ने एतराफ़ किया कि गजा में जान से हाथ धोने वाली बड़ी तादाद बेगुनाह शहरियों और बच्चों की है। दोनों रहनुमाओं ने गजा में जंगबंदी की हिमायत और कोशिशों पर जोर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम का व्हाइट हाउस में इस बारे में मुज़ाकरात के लिए अमरीकी सदर ने खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने गजा में यरगमालियों की रिहाई की कोशिशों और सरहदी शहर रफा में एक मुमकिन इसराइली हमले पर बढ़ती हुई तशवीश पर गुफ्तगू शनीद की। इस मौके पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि इसराइल को हमास के आखिरी गढ़ रफा पर, जहां 13 लाख लोग पनाह लिए हुए हैं, इस वक्त तक हमला नहीं करना चाहिए जब तक उसके पास वहां मौजूद आम शहरियों की हिफाजत का कोई मंसूबा मौजूद ना हो। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने अमरीकी सदर पर जंगबंदी की हिमायत पर जोर देते हुए कहा कि गजा में मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। सदर जो बाइडन ने कहा वो गजा में 6 हफ्तों के लिए जंगबंदी के लिए कोशा है। शाह के साथ खड़े होकर बाइडन ने कहा कि मुहादे के अहम मौजूद मेज पर हैं, अगरचे उनमें अभी भी खला बाकी है। बाइडन ने कहा कि मुहादे के अहम नुकात मेज पर हैं। अमरीका किसी मुहादे को तय कराने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगा। लड़ाई में कम अज कम 6 हफ्तों का वक्फा और हमास के पास मौजूद बकिया यरगमालों की रिहाई। वाज़ेह रहे कि शाह अब्दुल्ला से ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब बाइडन और उनके मुशीर हमास के खिलाफ इसराइल की जंग में एक और वक्फे की सालिसी के लिए काम कर रहे हैं, ताकि खित्ते में इंसानी हमदर्दी की इमदाद और रस्ते भेजी जा सकें और यरगमालियों को वहां से निकाला जा सके।